हेलो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूं प्रियांक सौरभ। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं जिनसे हम करेंगे आईएएस के बारे में खास चर्चा। जी हाँ, पटना धे आईएएस के डायरेक्टर डॉक्टर प्रियव्रत कुमार हमारे साथ आज मौजूद हैं और उनसे करेंगे हम आईएएस को लेकर खास चर्चा। नमस्कार डॉक्टर साहब, और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आईएएस को लेकर। हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार और पूरे देश भर के जो युवा होते हैं वो आईएएस के प्रति उनका एक सपना होता है कि वो भी आईएएस बने, और बहुत तरह की बातें उनके अंदर चलती रहती है कि आईएएस कैसे बने, क्या होता है आईएएस, कैसे इसकी तैयारी की जा सकती है। तो आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे डॉक्टर प्रियव्रत कुमार के साथ जो धे आईएएस के डायरेक्टर हैं। तो इस दौरान आप हमारे वीडियो को देखने के दौरान आप अपने आईएएस से संबंधित विभिन्न तरह की समस्याओं को पूछ सकते हैं। डॉक्टर प्रियव्रत कुमार आपके समस्याओं का निदान करेंगे, आपकी शंकाओं को दूर करेंगे। तो आईएएस क्या है और इसके अंतर्गत पोस्ट क्या आते हैं, थोड़ा सा एक बार इस पर विस्तृत चर्चा आप कर दें। आईएएस यूपीएससी के तहत ली जाने वाली जो परीक्षाएं हैं भारत सरकार की, उसका एक पद आईएएस होता है। उसी के तहत आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, एलाइड सर्विसेज सभी तरह के पदों को सुशोभित करते हैं। इसमें जब यूपीएससी का एग्ज़ाम आप कंप्लीट करते हैं तो उसमें रैंक के आधार पर आपको आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, एलाइड सर्विसेज तमाम जो पद हैं वो मिलते हैं। ये देश के सबसे शीर्षस्थ पद माना जाता है आईएएस, और इसके लिए भला देश के जितने भी नागरिक हैं कौन नहीं चाहेंगे कि देश के शीर्ष पद पर हम जाएं। लेकिन देश के शीर्ष पद पर जाने के लिए हमें उस तरह की रणनीति बनानी पड़ेगी। जब कोई भी जंग हम जीतने जाते हैं, जंग लड़ने जाते हैं, उसके लिए किसी भी जंग के लिए हम एक रणनीति बनाते हैं, और जो कैरियर की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने हम जाएंगे तो सबसे बड़ी रणनीति इसमें भी मुझे बनानी पड़ेगी। और इस रणनीति के तहत जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक मुझे इस क्षेत्र में सफलता नहीं मिलेगी। आईएएस को लेकर जो विभिन्न तरह की बातें की जाती हैं, तो हम लोग पहले चर्चा करते हैं कि आईएएस को लेकर जो न्यूनतम एडुकेशन जो क्वालिफिकेशन कहा जाता है वो क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने इस मामले में काफ़ी लोचदार प्रोग्राम बना के दिया है। उसमें यह है कि आप साइंस के स्टूडेंट रहे हों, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हों, आप मेडिकल के स्टूडेंट रहे हों, लेकिन आप आर्ट सब्जेक्ट से सिलेक्शन करके आईएएस के लिए अपना तैयारी कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ, ये भली बात है कि आर्ट्स के कैंडिडेट को साइंस वाले सब्जेक्ट का चयन का अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन साइंस आप किसी भी संकाय से ग्रेजुएशन करके आते हैं और आपका ऑनर्स कुछ भी है, कोई ज़रूरी भी नहीं कि जब ऑनर्स हम रखें वही यहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रहें। ऑप्शनल के लिए आप आराम से अपने मन से अपने मन मुताबिक चयन कर दें, लेकिन मार्केट में सलाहकार जो होते हैं वो ऑप्शनल के लिए बोलते हैं ये ऑप्शनल मत लेना, इसमें फलाना का नहीं हुआ, ये ऑप्शनल ले लो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन वैकल्पिक विषय जिसको कहते हैं उसके बारे में मेरा कहना है और धे आईएएस का कहना है, जो रिसर्च है, रिसर्च यही बताती है, धे आईएएस का बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है और कई बड़े बड़े विद्वान इस क्षेत्र में रिसर्च करके जो बताए हैं कि आप पढ़ाई के दौरान, जीएस के दौरान सामान्य अध्ययन जो करते हैं उसमें सारे सब्जेक्ट लगभग आ जाते हैं। सामान्य अध्ययन में हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, सोशोलॉजी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, कई सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो हर सब्जेक्ट को पढ़ने के दौरान मुझे सबसे ज़्यादा रुचि जिस सब्जेक्ट में आएगी उसी सब्जेक्ट को हम चयन कर लेंगे वैकल्पिक विषय के लिए। और ख़ास करके बात है कि ये जीएस पढ़ने के दौरान जो है कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका जीएस में ज़्यादा भाग पढ़ा जाता है,
मान लिया हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है, ज्योग्राफी है, अगर किसी को सोशोलॉजी पसंद आ गया, किसी को ज्योग्राफी पसंद आ गया, अब पूरे ज्योग्राफी का 30-40% अगर हम जीएस में पढ़ लिए और वही सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है तो उसको हम वैकल्पिक लेंगे तो 60% उधर पढ़ लिए तो वैकल्पिक भी मेरा हो गया। तो जिनके पास कम समय में तैयारी करना है तो वो इस रणनीति से भी चलेंगे, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है कि वैकल्पिक ये विषय लेना बहुत अच्छा है, ये लेना बेकार है, ये गलत बात है। एक कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर होने के नाते, या आप इतने बड़े संस्थान के डायरेक्टर हैं TIS जिसका नाम भारत भर में मशहूर है, तो उसके नाते आप क्या मतलब सजेस्ट करते छात्रों को, कौन सा विषय मतलब ज़्यादा सहायक लाभप्रद साबित हो सकता है? नहीं, ये तो मैं नहीं दे सकता है ना। देखिए, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सबका माइंड का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। अच्छा, किनके माइंड में कौन सा सब्जेक्ट कितना ज़्यादा अच्छा सेट कर रहा है ये उनके पढ़ाई के दौरान निर्भर करता है। इसलिए किसी को पर्टिकुलर बताना ये मुश्किल की चीज़ है। अगर बता दिया जाए, अगर हम अभी टीवी चैनल पर ऐसा सलाह दे दें तो सब लोग उस सब्जेक्ट की तरफ दौड़ जाएगा और वो सब्जेक्ट सबको सूट नहीं करेगा, फिर उसकी तैयारी गड़बड़ा जाएगी। इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है, उम्र को लेकर जो होते हैं कि हाँ कब फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कब तक? इसमें 21 साल से लेकर के 32 साल 35 साल 37 साल, इसमें जनरल ST ST OBC सब के लिए इस तरह का एज है। एज कोई मैटर नहीं है, इसकी तैयारी के लिए काफ़ी एज है। अगर जिसको होना रहता है साल, 2 साल 3 साल तक में उसको हो जाना चाहिए। अब किसी चीज़ के पीछे बहुत, अगर आखिर 3 साल तक में आपका नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी प्रॉपर वे में नहीं हो रही है। आप तैयारी का जो प्रॉपर गाइडेंस है वो कुछ और है, आप कर कुछ और रहे हैं। तो प्रियव्रत जी, आप ये बताएं हमें कि जो एक छात्र एक निश्चित समय देते हैं TIS की तैयारी कर रहे हैं, कोई छात्र होते हैं कि कोई 5 साल से लगा हुआ है, कोई साल भर में ही हो जाता है, तो इसके लिए अटेम्प्ट करने का कितना बार है कि हम इतना बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, इतना बार बैठ सकते हैं परीक्षा में, इसका कोई होगा लिमिट? वो तो लिमिट है ही, अटेम्प्ट भी है, अटेम्प्ट 6 है, अटेम्प्ट 9 है। अच्छा। वो भी निर्भर, उतना अटेम्प्ट देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अच्छा। हम तो 3 ही अटेम्प्ट की बात करते हैं, 1 से 3 अटेम्प्ट सबसे बेहतर माना जाता है। और इसकी तैयारी में जो लोग पहले से नहीं लगे हुए हैं, यहाँ एक धारणा है हमारे यहाँ कि आफ्टर ग्रेजुएशन लोग UPSC की तैयारी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा। लेकिन अदर स्टेट में अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट UPSC की तैयारी पर ध्यान देना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है कि वो करंट ईयर में कम्पीट कर जाता है। और यहाँ क्या है कि आफ्टर ग्रेजुएशन तैयारी करते हैं, और आफ्टर ग्रेजुएशन तैयारी करने में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कई लड़के प्रेशर में आना शुरू हो जाते हैं। तो UPSC की तैयारी में 2 महत्वपूर्ण प्रिकॉशन, वो प्रिकॉशन अगर कोई बरत ले उनका IAS होना 1-2 साल के भीतर निश्चित। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, TIS पटना के डायरेक्टर डॉक्टर प्रियव्रत कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनसे कर रहे हैं IAS को लेकर खास बातचीत। कई तरह की बातें आपके मन में भी IAS को लेकर आती है, कई तरह की शंकाएं भी आपके मन में आती है, आपकी इन्हीं शंकाओं को निवारण करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट बैठे हुए हैं। इस दौरान आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, हमारे लाइव वीडियो के दौरान आप अपने सवाल हमें मैसेज कर सकते हैं और हम आपके सवालों का, हम आपके शंका का निवारण करने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं जी। तो महत्वपूर्ण विषय मैं ये बता रहा था। जी जी, ये UPSC की तैयारी 2 महत्वपूर्ण पिलर पर अच्छा खड़ा है। एक पिलर है गाइडलाइन, एक का नाम है गाइडलाइन, बेहतर गाइडलाइन, और एक का नाम है सेक्रेसी। अच्छा, सेक्रेसी ये नॉन टेक्निकल वर्ड है। अच्छा, इसको सभी लोग नहीं समझते हैं, लेकिन जितने भी लोग आज तक IAS UPSC को फेस किए हैं उनके पीछे एक राज यही रहा है कि वो तैयारी के पीरियड में काफ़ी सेक्रेसी बरतते हैं। अच्छा। सेक्रेसी बरतने से फ़ायदा होता है। मान लिया जाए TIS एक बेहतर इंस्टीट्यूट है, इसकी गाइडलाइन से हजारों लोग IAS बन चुके हैं। ठीक, अब TIS जब एक गाइडलाइन दे रही है, इतनी बड़ी संस्था एक गाइडलाइन दे रही है, तब लोगों में अगर ये एक नेचर होता है कभी उससे पूछ लें, कभी उससे पूछ लें, कभी उससे पूछ लें,
तो इस तरह की जानकारी अगर लोग दूसरे से लेंगे तो 10 तरह का सजेशन लेने के बाद वो एक जगह स्थित नहीं रहता। और ऐसे में क्या होता है, उनका ब्रेन लगभग 90% दूसरे के बताए हुए रास्ते पर घूम रहा है, और जो सही गाइडलाइन VISO या कोई अन्य अच्छी संस्थान है जो दे रही है उस पर 10% ही वो अपना दिमाग कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब बताइए कि वो 10% से वो IAS बन पाएंगे कि ना बन पाएंगे, ये तो उनका माइंड पर निर्भर करता होगा। जबकि एक रिसर्च है कि सबसे मेन ब्रेन हमारे देश में IIT होता है जी। और साइंस के जितने भी बड़े बड़े कंपटीशन हैं उसमें जो ब्रेन की इंटेलिजेंसी चाहिए उतनी बड़ी इंटेलिजेंसी UPSC के लिए नहीं चाहिए, उससे कम भी रहेगा तो लोग कम्पीट कर जाएंगे। लेकिन मार्केट में एक बहुत बड़ा हुआ खड़ा किया गया है, UPSC बहुत भारी है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके लिए ये भी नहीं है कि आप मेट्रिकुलेशन में बहुत कम मार्क्स लाए हैं, इंटर में कम मार्क्स लाए हैं, ग्रेजुएशन में कम मार्क्स लाए हैं, इसलिए आप इंट्रेंस नहीं दे सकते, ये भी कुछ नहीं है। आप UPSC की तैयारी कितना अच्छा से कर लेते हैं और कम्पीट कर जाते हैं ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, बशर्ते ये नहीं कि आप किसी यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे तो उसका ग्रेड मिल जाएगा। सर, तो ये एक औसतन दर्जे के जो छात्र होते हैं, जो एक औसत दर्जे के छात्र होते हैं, अगर जो होते हैं, तो उनके लिए कैसे वो अपना ये बनाए कि इसमें औसत दर्जा नहीं माना जाता है। कोई छात्र बहुत ही ब्रिलियंट, तो ज्यादातर तो देखा जाता है कोई छात्र बहुत ही ब्रिलियंट, कोई अपने स्कूल पीरियड में कॉलेज पीरियड में काफी साधारण रहा, लेकिन जो साधारण छात्र हैं अगर उनको गाइडलाइन सही मिला और उसी गाइडलाइन पर वो एग्री कर गए तो वो सफल हो जाएंगे। अच्छा। उसके अकॉर्डिंगली तैयारी कर सफल होंगे। लेकिन जो टॉपर स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी के हैं अगर वो गाइडलाइन सही नहीं ले पाए और मेहनत लाख कर लेंगे तो उनको सफलता नहीं मिलेगी। तो यूं कह सकते हैं कि इसके लिए गाइडलाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, और इस गाइडलाइन में ही बीमारी फैली हुई है। अच्छा। गाइडलाइन जो है ये रॉन्ग गाइडलाइन मिल रहे हैं 99% लोगों को लगभग। तो सही दिशा निर्देश से ही IAS को आप क्रैक कर सकते हैं, जैसा कि हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर प्रियव्रत कुमार जी बता रहे हैं, VIAS के डायरेक्टर हैं, और उनके साथ हम कर रहे हैं IAS कैसे क्रैक करें, और खास गुरु मंत्र के बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ डॉक्टर साहब। हमसे आगे हम आपसे आगे ये भी जानना चाहेंगे कि जो इसके लिए कट ऑफ का वगैरह भी कुछ होता है, ये कट ऑफ क्या होता है, कितना होता है इसमें? ये कट ऑफ निर्भर करता है हर साल एग्जाम के क्वेश्चन पर। अच्छा। कट ऑफ का कोई निश्चित मापदंड नहीं है, इस साल एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए तो उसमें कट ऑफ उसी हिसाब से चलता है। लेकिन जितना का एग्जाम होता है अगर उसका 50% मार्क्स भी स्टूडेंट हमारे ले आते हैं तो वो लगभग IAS कर ही जाते हैं। बहुत सारे लोगों में सिलेबस को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है, तो एक बार चाहेंगे सर सिलेबस के बारे में आप चर्चा कर दें एक विस्तृत रूप से। इसको सिलेबस मुख्य इंपॉर्टेंट चीज है जी। आपको मैं बता दें सिलेबस ही इसके सफलता का सबसे बड़ा कारण है। खास करके NCERT का सिलेबस बेस्ट है UPSC की तैयारी करने के लिए। अच्छा। लेकिन बाजार में जितनी बुक मिलती है उसमें NCERT, नियर अबाउट NCERT सब मिला करके कोई बुक 500 पेज का है, कोई 400 पेज का है। अच्छा। कोई 200 पेज का है। अब आप किसी से बात करें वो बोलेंगे कि वो राइटर का बुक ले लो, कोई बोलेगा वो राइटर का बुक ले, कोई बोलेगा वो राइटर का बुक ले लो। अब कितने राइटर का हम बुक लेंगे, मुझे तो उस सब्जेक्ट के प्रोफेसर नहीं बनने जी, मुझे उस सब्जेक्ट से PhD नहीं करने, मुझे IAS बनने। तो IAS बनने के लिए एक सिलेबस निश्चित किया गया है और हम उसी के दायरे में अगर चलेंगे तो हम कम समय में कम मेहनत में तैयारी कर लेंगे। अब किताब के चक्कर में सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस के चक्कर में हम नहीं करते, देखते होंगे कोई बोलता है 10 घंटा पढ़ोगे 20 घंटा पढ़ोगे तो IAS बनोगे, ये भी चीज IAS में नहीं है। अच्छा। आपका ब्रेन कितना क्लियर है, आपके ब्रेन में कितने बैड सलाह नहीं है। अच्छा। उस पर निर्भर करता है। अगर एक लड़का के ब्रेन में कोई रॉन्ग सलाह नहीं है। अच्छा। तो वो 4-5 घंटा पढ़ेगा तो IAS बन जाएगा। अगर किसी के ब्रेन में दुनिया भर का बैड सलाह है तो शायद 20 घंटा भी पढ़ेगा तो IAS नहीं बनेगा, क्योंकि जितने रॉन्ग एडवाइस होते हैं वो बेटर एडवाइस को उनके दिमाग से निकाल के बाहर फेंक देते हैं।
और रॉन्ग एडवाइस जो होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं जी। और रॉन्ग एडवाइस किसी कैंडिडेट को जल्दी आगे बढ़ने नहीं देते हैं, तो इस पर निर्भर करता है। और रॉन्ग एडवाइस आप जो लेते हैं इससे बचने का एक ही उपाय हम लोग देख रहे हैं कि आप तैयारी के पीरियड में किसी से शेयर नहीं, शेयर करने से ही एडवाइस मिलता है। बहुत लोग अपना प्रतिष्ठा बनाता है कि हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आईएएस की तैयारी को तैयारी में प्रतिष्ठा नहीं बनाएगी, आईएएस बन के प्रतिष्ठा बनाएगी। तो तैयारी के पीरियड में प्रतिष्ठा जो बना लेते हैं ना, इसीलिए वो बाद में हंसी का पात्र भी बन जाता है। आजकल ऐसा होता है, अक्सर देखा जाता है नॉर्मली जब हम छात्रों से मिलते हैं तो नॉर्मली जो कुछ नहीं कर रहे होते, मैं उनका मजाक नहीं उड़ा लेकिन मैं फिर भी जो मैंने देखा है कुछ नहीं कर रहे तो एक ही बात बोलते हैं मैं बीपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ। कारण है उनको लगता है कि हम बीपीएससी बोलेंगे यूपीएससी बोलेंगे तो लोग मुझे बड़ा कद्र करेंगे जी। तो ठीक है थोड़े देर के लिए तो कद्र आपका कर लेंगे वाह, लेकिन फिर 40 साल अपने लाइफ में मजाक बनेंगे। तो 2 साल क्यों कद्र आप करवा रहे हैं, 2 साल अपने आप को कद्र मत करवाइए और 40 साल की जिंदगी पूरे दुनिया में फेमस हो जाइए, वो काम क्यों नहीं करेंगे। 2 साल कद्र करवाइए और 40 साल आप पश्चाताप करें, उससे अच्छा है कि 2 साल नॉर्मल से रहें और 40 साल मजा में रहें। तो सीधे सीधे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि आप दिखावे में विश्वास न करें और बेहतर रणनीति के तहत आगे बढ़ें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। यही रणनीति है, इसकी रणनीति रणनीति कहती है कि हम किसी को इसके बारे में बताएं ना, डिस्क्लोज ना करें। इससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन एक काम के लिए बहुत कष्ट आगे बढ़ता है और हम सफलता को बहुत ही जल्दी पा लेते हैं। और आप 1 साल में सफल नहीं हुए, 2 साल में नहीं हुए, अभिभावक का पैसा आपके ऊपर खर्च हो रहा है, फिर आप भी टेंशन में आ जा रहे हैं, 3 साल आते आते तो इतना ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं कि तब तक सही गाइडलाइन भी आपको मिलेगी तो वो काम नहीं आएगी, क्योंकि तब तक आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। इसलिए एक निश्चित समय है, उसी पीरियड में आप सही गाइडलाइन लीजिए और उसी पीरियड में अपने आप को सचेत होकर के काम कीजिए। और ऐसे भी कहा जाता है किसी भी चीज को डिस्क्लोज कीजिएगा तो वो काम नहीं बनता है, और इतनी बड़ी चीज है ये, इसको डिस्क्लोज करके चलिएगा तो काम कहाँ से बनेगा। तो प्रियव्रत जी, हम आपको बता दें हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं, उनके सवाल आने भी शुरू हो गए हैं, तो हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे, हम अपने सवाल को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उस दौरान जो हमारे दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं वो पूछ रहे हैं, ऋषिकांत प्रकाश जी, नमस्कार ऋषिकांत जी, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। और सबसे पहले वो पूछ रहे हैं सर, हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर आईएएस आफ्टर ग्रेजुएशन। तो ऋषिकांत जी आईएएस की तैयारी, आप अगर ग्रेजुएट हो गए हैं तो करना ही है आपको, और आप ग्रेजुएट नहीं रहते, इंटर में रहते, ग्रेजुएशन के पीरियड में रहते तब भी करते, उस समय आप थोड़ा मजे में करते, इस समय थोड़ा सा आपको ज़्यादा भागदौड़ की स्थिति में करना होगा, लेकिन भागदौड़ की कोई बात नहीं है, आप सही गाइडलाइन लीजिए और ध्येय आईएएस सरीखे अगर कोई संस्थान है उसके गाइडलाइन से अगर आप चलेंगे, एक संस्था द्वारा दिया गया गाइडलाइन, जो संस्था सफलता की बहुत बड़ी कड़ी तैयार कर चुकी है जी। तो उसके द्वारा दिया गया गाइडलाइन और किसी एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया गाइडलाइन में आकाश जमीन का फर्क होता है। इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि यूपीएससी की तैयारी में आप एक अच्छी संस्था के सलाह से चलें और कंटिन्यू पढ़ाई करें। इसमें प्रिकॉशन है सही गाइडलाइन सेक्रेसी, 2 चीज को अगर अपना लेते हैं इस पर कायम है तो यूपीएससी होना तय है। और सेशन यही है, तैयारी जिस दिन से शुरू करें जब तक आपका रिजल्ट आ नहीं जाता है, इस बीच में छोटे बड़े कोई भी इम्पोर्टेंट काम आपके घर परिवार में आते हैं उसको भूल जाइए, क्योंकि गैपिंग देने से आपकी मेहनत बेकार होगी और फिर आगे मेहनत करते रहना होगा। तो एक ही काम के लिए बार बार मेहनत करने से भी लोग उब जाते हैं, तो इसको ध्यान में रख करके ये देखिए कि जिस चीज की मैं तैयारी शुरू किया उसको जब तक एंड नहीं कर लेता हूँ तब तक दूसरा कुछ नहीं करूँगा, तो शायद 1 से 1.5 साल बहुत है आपके लिए ऐसे। और अगर हर चीज को देखेंगे तो 2 साल में होगा, 3 साल में होगा, 4 साल में होगा, 8 साल में होगा कि नहीं होगा, ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो जैसा कि हमें उम्मीद है ऋषिकांत जी, आपको सही सलाह मिल गया होगा और आप सर के सलाह के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर सर, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक अभी और भी जुड़ चुके हैं, कीर्ति बाला जुड़ी हैं,
हालांकि उनका जो प्रश्न है हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके, लेकिन एक बार फिर से कृति बाला जी पूछ रही हैं कि व्हाट आर द एज लिमिट एंड द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स परमिटेड टू राइट आईएएस एग्जाम। 21 साल से लेकर के 32 साल, 35 साल, 37 साल ये एज है। ये जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए अलग है। मैं पहले भी डिस्कस किया कि पूरे एज भर तो कोई तैयारी करता नहीं है। तैयारी आपको 2-3 साल ही करनी होती है, इसी में रिजल्ट लेना है। वो तो यूपीएससी की या बीपीएससी की अपनी जो गाइडलाइन है उस हिसाब से तो बहुत एज दिए हुए है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, एज मुद्दा नहीं रखता है। हाँ, ये बात जरूर है कि आपकी तैयारी बहुत दिन के बाद शुरू ही हो रही है, आपको पता ही चला है। लेकिन अब मीडिया के युग में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को बाद में पता चलता है। अब तो तैयारी होगी 21 साल में और लोग बचपन से ही इसके लिए सोचने लगते हैं कि मुझे ज़रूर इसकी तैयारी करनी है। और ये बात ज़रूर बताऊंगा कि आप बचपन से पेपर पत्रिका ज़रूर पढ़ें। पेपर पत्रिका पढ़ने से जीके की तैयारी में आपको काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि जीके जीएस के साथ आपके लिए बर्डन ना बन जाए। इसके लिए शुरू से अगर पेपर पत्रिका पढ़ेंगे तो शायद बाद में जीके की तैयारी कुछ करने का आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सर, जैसा कि हम लोग अभी कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे, हालांकि हमें बहुत सारे दर्शक अभी जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर से हम लोग एक बार अपने पुराने सवाल पे आ जाएं। हम लोग किताबों के बारे में चर्चा कर रहे थे कि किताबों का जो है चयन लोग करते हैं, तो किस प्रकाशन की बुक्स, एक सिलेबस की बात हम लोग कर रहे थे, तो किस प्रकाशन की बुक्स मतलब ज़्यादा कारगर हो सकती है, लाभप्रद हो सकती है, या कौन कौन सी किताबें लाभप्रद हो सकती है आईएएस के लिए? इसमें हम किसी प्रकाशन का बुक के बारे में प्रचार तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस संस्था से आप गाइडलाइन ले रहे हैं जी, उस संस्था के सलाह से ही आप बुक लें जी, और वो जो सलाह देंगे वही बुक आप बाज़ार से लें। और जैसे मेरी संस्था है, हमारी संस्था में रिसर्च सेंटर है, रिसर्च सेंटर तैयार करती है कि कौन सा बुक में कितना टॉपिक्स है जो हम अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सकें। तो हम लोग सेलेक्टेड क्वेश्चन आंसर, सेलेक्टेड नोट्स तैयार कर लेते हैं। और वो नोट्स दो चीज़ होता है, एक तो पूरा सिलेबस पर निर्भर करता है, दूसरा होता है कि इस साल के लिए संभावित क्या है, ये भी होता है। क्योंकि यूपीएससी बीपीएससी कुछ भी इसकी तैयारी में पहले साल का जो गाइडलाइन होता है वो अगले साल के गाइडलाइन से थोड़ा डिफर होता है। कोई चाहेंगे कि इस साल जो हम तैयारी किए उसी तैयारी पर अगला साल का भी एग्ज़ाम दे देंगे थोड़ा उसमें और पढ़ के, वो बेनिफिट नहीं होता है। हर साल का गाइडलाइन थोड़ा चेंज हो जाता है, इसलिए स्टूडेंट को चाहिए कि अपने संस्था के सहयोग से, उनके सहयोग से बुक का गाइड लें। और इसमें हम लोग किसी को बुक का गाइड किसी चैनल पर बैठ के करना संभव नहीं है। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके, जैसा कि हम लोग चर्चा किए हैं, हमारे बहुत सारे प्रश्न अभी और भी आ रहे हैं। संदीप दे जुड़ रहे हैं। संदीप जी, सबसे पहले शुक्रिया आपको सवाल करने के लिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रियव्रत जी आपके सवाल का जवाब देंगे। वो पूछ रहे हैं, सर, इज इट पॉसिबल टू क्रैक आईएएस एग्जाम बाय सेल्फ स्टडी? संभव है, सेल्फ स्टडी से भी आप आईएएस का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। आप प्रतिष्ठित संस्थान से सलाह लें। कई संस्थान ऐसे हैं जहां आप कोचिंग नहीं भी करेंगे तो वो सलाह देते हैं। हमारी संस्थान दिल्ली में उसका मुख्य कार्यालय है और हमारे वहां के सेंटर से वहां के कई शिक्षक हैं, उनका टर्मिनल नंबर आपको मिल सकता है, आप उनसे बात कर लें। और ऐसा कुछ प्रोफेशन नहीं है हम लोग का कि मैं जिसका नामांकन लूँगा उसी को सलाह दूँगा अन्यथा दूसरे को नहीं दूँगा। और ये बात तो ज़रूर है कि जिसका नामांकन लेता हूँ उसके प्रति तो ज़रूर अति संवेदनशील रहता हूँ जी, लेकिन ये भी मैं सुविधा दे रहा हूँ कि कोई भी बाहर के स्टूडेंट अगर किसी प्रकार का सलाह मांगे तो उसको हम लोग सही सलाह देते हैं और वो मेरे सही सलाह से आईएएस क्रैक किए भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई औचित्य नहीं है। प्रियंका कुमारी पूछ रही हैं, सर, यूपीएससी आईएफएस के सिलेबस क्या है? यूपीएससी आईएफएस जो होता है, यूपीएससी
का सिलेबस एक ही होता है, उसमें रैंक के आधार पर IFS, IPS और IS हमको मिलता है, IFS का अलग से कोई सिलेबस नहीं होता। कुछ इसी से जुड़ता हुआ सवाल श्वेता सिन्हा जी का भी है, वो पूछ रही हैं, सर व्हाट इज द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ IAS प्रीलिम्स, लेटेस्ट सिलेबस? पूरे सिलेबस पर तो डिस्कस करना यहाँ मुश्किल है, लेकिन ये बात जरूर है कि प्रीलिम्स का कोई सिलेबस नहीं होता है। अच्छा, सिलेबस जो भी होता है वो GS का होता है, और GS की तैयारी अगर हम मेंस की तैयारी करते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रीलिम्स की ही तैयारी हो जाती है। अगर हम रामायण पूरा जान गए, महाभारत पूरा जान गए, तो रावण का वध किसने किया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो अवश्य बता देंगे, और मुझे उसको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए प्रीलिम्स का अलग से ना ही कोई सिलेबस होता है, आपका मुख्य का जो सिलेबस होता है GS में, उसी में से प्रीलिम्स में सवाल आते हैं, आप उसमें थ्योरेटिकल पूछा जाता है, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ऐसा माना जाता है, दरअसल हम लोग फिर से आते हैं अपने सवाल पे, ऐसा माना जाता है कि IAS के जो एग्ज़ाम होते हैं ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के छात्र ही क्रैक कर पाते हैं, क्या ऐसा सच में है? अगर ऐसा है तो क्या हिंदी मीडियम वाले छात्र क्या करें, फिर उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि हिंदी एक बहुत अच्छी भाषा है जी, और इसमें शुद्धता की गारंटी होनी चाहिए। तो हिंदी में अगर हम बहुत अच्छे जानकार नहीं हैं, हिंदी को शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना अगर हम नहीं जानते हैं ठीक से, ये मेरा बेस अगर कमजोर रह गया है, तब तो मेरी गलती को आसान से पकड़ लेंगे। तो हिंदी के जितने भी एग्जामिनर होते हैं वो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अगर हम समझ रहे हैं हिंदी तो एग्जाम तो देंगे हिंदी में ही, लेकिन इसमें भी लड़के गच्चा खाते हैं कि उनको कोई बोल दिया कि इंग्लिश वाले ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं, हिंदी वाले कम हो रहे हैं, तो इंग्लिश ही पढ़ो। अब इंग्लिश तुम अगर नहीं समझ रहे हो तब तो तैयारी भी तुमसे नहीं हो पाएगी। तुम जो भी चीज़ समझ रहे हो, हिंदी समझ रहे हो तो हिंदी में तैयारी करो, इंग्लिश समझ रहे हो तो इंग्लिश में तैयारी करो। ये बात जरूर है कि इंग्लिश में ग्रामेटिकल पर ध्यान कम दिया जाता है, हिंदी में ग्रामेटिकल पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। वैसे बच्चे जिनका ग्रामेटिकल ठीक नहीं रहता है उनके लिए प्रॉब्लम होता है, अगर ग्रामेटिकल ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रियंका कुमारी हमारे से आप फिर से जुड़ चुकी हैं, वो लगातार उनके प्रश्न आ रहे हैं, वो पूछ रही हैं सर BPSC में स्टैटिक्स कितना नंबर का होता है? BPSC में आपको GS का दो पेपर रहता है 300-300 नंबर का, तो उसी में से मिक्स रहता है। सर उनका अगला सवाल है, वो पूछ रही हैं सर IFS मेंस के लिए सिलेबस क्या है, फिर से वो वाला कि वही सवाल आ रहा है, और वो लगातार उनके कई सारे प्रश्न आ रहे हैं। प्रियंका जी आपका बार बार प्रश्न आ रहा है, ये बहुत अच्छी सिलेबस के धन्यवाद इसके लिए। सिलेबस प्रियंका जी बहुत डिटेल चीज होती है, वो यहाँ डिस्कस करना मुश्किल है, लेकिन अब तो मीडिया का युग है, नेट का युग है, आप उसका सिलेबस सर्च कर लीजिए और वहाँ एक्यूरेट सिलेबस मिल जाएगा। इसके लिए क्या, किसी भी चीज़ का सिलेबस आपको वहाँ उपलब्ध है, उसके लिए मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। प्रियंका जी का एक और सवाल है, सर मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बारे में जानना चाहती हूँ, सर इसके बारे में विस्तृत थोड़ा सा चर्चा कर दीजिए। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की परीक्षा भी UPSC कंडक्ट करती है, और इसके सिलेबस में GS लगभग जो है UPSC के लिए जो भी GS होती है उसका कुछ परसेंट कम कर दीजिए, लगभग वही GS उसमें भी पढ़ना रहता है। तो प्रियव्रत जी, हम लोग चर्चा कर रहे थे IAS को लेकर, IAS की तैयारी को लेकर, हम जानना चाहते हैं, हम लोगों ने जैसा सुना है कि आपके बारे में आप IAS को लेकर एक बेहतर रणनीति तैयार कराते हैं, और क्या वो गुरु मंत्र है जिसके माध्यम से बच्चे IAS क्रैक कर सकते हैं, एक बार गुरु मंत्र पर चर्चा कर रहे हैं। गुरु मंत्र पर तो लगभग कुछ चर्चा हम कर चुके हैं, हम स्टूडेंट जब मेरे पास मिलने आते हैं तो उनको सिर्फ यही बोल देते हैं, अभी से ही आप अपना रणनीति अपना लीजिए। बोलता है स्टूडेंट क्या अपनाए, तो आप कहाँ गए, किस काम से आए थे मेरे पास, लोग पूछेंगे कि कहाँ से आ रहे हैं, तो ये भी नहीं बताना है कि हम VIS गए थे,
इंक्वायरी करने, अब मैं आईएएस की तैयारी करूंगा, अभी से ही इसको सेक्रेट कर दीजिए। और अगर इसको सेक्रेट कर देते हैं और मेरा गाइडलाइन लेते हैं तो जरूर सफल हो जाएंगे। अब निर्भर आप पर करता है कि आप कितना देर तक, कितना दिन तक इसको सेक्रेट रखे हुए हैं। सेक्रेट रहने से यही है कि 100% ब्रेन का इस्तेमाल उस तैयारी में आ जाता है। सेक्रेट ना रखिएगा तो कितने परसेंट ब्रेन का भाग दूसरे काम में लग जाएंगे, तो फिर आपकी तैयारी कितने दिनों बाद होगी या ना होगी, आप सफल होंगे कि ना होंगे, ये सबसे मूल राज है इसका। कई लोग ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं और फिर भी वो काम करना, मतलब वो चाहते हैं कि वो आईएएस की तैयारी करें, ऐसे बहुत सारे होते हैं। और हालांकि जैसा देखने को मिला है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किए हैं, जॉब करने वालों को सिर्फ एक डर लगता है कि हम कैसे करेंगे आईएएस की तैयारी। सुनते हैं 10 घंटा पढ़ना पड़ता है और मेरे पास समय नहीं है, हम नौकरी करेंगे। अगर वो डिपार्टमेंट को बोल दें, विभाग को बोल दें, कुछ छुट्टी दे दीजिए सर, मैं आईएएस की तैयारी करूंगा, तो डिपार्टमेंट उनको जल्दी छुट्टी नहीं देगा कि कहीं ये आईएएस बन जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी। तो इसके लिए उनको डिपार्टमेंट से भी छुट्टी लेने के लिए बोलने की जरूरत नहीं है, उनको अपने समय निकालना है, गुप्त रूप से उनको तैयारी करनी है। लेकिन एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, जिनके पास जॉब है, अच्छी जॉब है, वो मेंटली, इकोनॉमिकली और सोशली फ्री। और ये तीनों चीज से फ्री होने के बाद एक जनरल स्टूडेंट 10 घंटा में अगर तैयारी करके आईएएस बनेगा तो वो 5 घंटा में तैयारी करके बनेगा। आप बोलिएगा क्यों? इसलिए कि वो बिना प्रेशर के तैयारी कर रहे हैं। उनसे ये कोई सवाल नहीं करने वाला है कि तुम पीओ ही क्यों बना, तुम इंजीनियर ही क्यों बना, आईएएस क्यों बना, क्यों? उनसे ये भी सवाल कोई नहीं करेगा। उनको पैसा किसी से मांगने की जरूरत नहीं है और उनको ये डर नहीं है कि अगर ये नहीं किया तो मैं आगे क्या करूंगा। ये तीनों डर उनमें नहीं है। तो तीनों डर ना रहने के चलते वो विदाउट प्रेशर होते हैं। और विदाउट प्रेशर क्या होता है, गैंगिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। हम 10 किलो काम किए और 10 किलो अंदर चला गया, और वो 10 किलो पर अटेम्प्ट लेंगे तो 5 किलो ही उनके अंदर जाएगी, है ना, ये एवरेज हो जाता है उसमें। तो यही है कि जॉब वाले लोगों को मेरा सलाह है, वो सिर्फ सोच बना लें कि मुझे भी करना है, तो समय उनको और कम समय में आईएएस बन सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ ढेर आईएएस पटना के डायरेक्टर डॉक्टर प्रियव्रत कुमार जी मौजूद हैं और उनसे हम कर रहे हैं खास चर्चा। और हम फिर से आते हैं दर्शकों के सवाल पे। फरहान हुसैन जी, जी नमस्कार आपका फरहान जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए धन्यवाद। और वो पूछ रहे हैं, विल UPSC deduct marks for bad handwriting? देश के शीर्ष पद पर जाने के लिए फरहान भाई तैयारी किया जा रहा है जी। और इसमें हर चीज सुंदर होना चाहिए, आपका लैंग्वेज अच्छा रहना चाहिए, आपकी लिखावट अच्छी रहनी चाहिए। हैंडराइटिंग खराब से भी काम चल सकता था, लेकिन देश के टॉप लोग जब परीक्षा देने आ रहे हैं और आप ही की तरह कोई और लिखा और सुंदर भी लिख दिया, तो अब एग्जामिनर किसको मार्क्स ज्यादा देंगे, जो भाषा भी अच्छा लिखा और सुंदर भी लिखा। इसलिए अगर आप ही की तरह लिखावट वाले लोग सब रहेंगे तब तो हैंडराइटिंग मैटर नहीं रखता है जी। कोई रूल नहीं बना हुआ है जिनकी अच्छी हैंडराइटिंग रहेगी उन्हीं का सिलेक्शन होगा, अंत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्पष्ट हो, समझने लायक हो, लेकिन कंपटीशन है, कंपटीशन में जो आपसे बेहतर होंगे। अब 1000 लोगों को लेना है और 1000 लोग नॉलेज वाले भी मिल जाते हैं और अच्छे हैंडराइटिंग वाले भी मिल जाते हैं, उनका चुनाव हो जाता है। अब आप ही को इस पद पर रख दिया जाएगा तो जो बोलने में अच्छा है, देखने में अच्छा है, कपड़ा अच्छा पहने हुए है, सब गुण में सारे गुण उसमें मिल रहे हैं, तो आप उसको छोड़ करके जो कम गुण वाले होंगे उसको सिलेक्ट करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। वो एक तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर चीज एकदम बेहतर होना आवश्यक है और हैंडराइटिंग तो सही में आकर्षक होना बेहद जरूरी है। तो हम आगे बढ़ते हैं, और भी दर्शकों का जवाब हमें देना है, आपको देना है, वो अपनी शंका दूर करना चाहते हैं आपके माध्यम से। नीतू कुमारी जी जुड़ी हैं, वो पूछ रही हैं, सर BPSC फर्स्ट पेपर में कौन 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 से टॉपिक शामिल हैं? BPSC को लेकर सवाल है सर। ये सब तो आप नेट पर देख लीजिए, ये सब आप जो समाधान आप नेट के माध्यम से कर सकते हैं। सब पेपर कितने क्या रहते हैं जी, इसके और लिए कोई दिक्कत नहीं। BPSC मेंस में भी SF के पेपर हैं या नहीं है, ये सब आप उस पे जानकारी ले सकते हैं। सारा
आप यूपीएससी के साइट पे, बीपीएससी के साइट पे उससे संबंधित इस तरह की जानकारियाँ दी हुई रहती हैं। धन्यवाद, आपने मैसेज किया, आप अपनी शंका को लेकर हमारे पास आए। उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब। सिर्फ ये जरूरी है कि आप ऑनर सब्जेक्ट कुछ रखे हुए हैं, ये कोई अनिवार्य नहीं है कि उसी को वैकल्पिक बनाएंगे। और खास करके इंटरव्यू वगैरह में इंटरव्यूअर जो होते हैं देखते हैं ऑनर्स भी इनका जो सब्जेक्ट है वही वैकल्पिक भी है, तो दो चार क्वेश्चन और ज़्यादा ही कर देते हैं। अच्छा, और अगर आपसे सवाल करेगा कि आपका ऑनर्स रहा सोशोलॉजी और ऑप्शनल में ले लिए ज्योग्राफी, तो आप बता सकते हैं कि जब मैं तैयारी कर रहा था ज्योग्राफी में काफ़ी मज़ा आया, जो चीज़ में मज़ा आएगा उसको वैकल्पिक बनाऊंगा, ये बात सही है। और किसी एक सब्जेक्ट को 5 बार पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है 10 सब्जेक्ट को 1 बार पढ़ना, इस बात पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। एक बार हम लोग आते हैं आपके संस्थान को लेकर थोड़ा सा बात हो जाए कि DAIS एक नामी ग्रामी संस्था जो दिल्ली में भी 15 वर्षों से कार्य कर रही है लगातार, और अब बिहार में 4 सालों से छात्रों के सफलता का परिचायक बन चुकी है। तो आप अपने संस्थान के बारे में बताएं कि आपके यहाँ छात्रों को किस तरह की सुविधा मुहैया कराई जाती है। देखिए, DAIS का सबसे बड़ा बेहतर स्ट्रक्चर यही है कि DAIS दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद को छोड़ करके बाकी अन्य जगहों पर लाइव सेंटर चला रही है। लाइव सेंटर को समझने का होना चाहिए जानकारी। अगर लाइव सेंटर को ढंग से आप समझ लेते हैं तो लाइव सेंटर फेस टू फेस के साधारण टीचर से बेहतर होते हैं, क्योंकि दिल्ली के हमारे जो सेंटर हैं जहां पर से हम लाइव टेलीकास्ट करवाते हैं तो वहां पर ही हम सबसे टॉप टीचरों का जमावड़ा कर सकते हैं, और स्टेट वाइज हर जगह टॉप टीचर को हम मुहैया नहीं करा सकते, ये संभव नहीं है, ये संभव मुश्किल है। जब ये संभव नहीं है तो लाइव टेलीकास्ट से एक फायदा होता है कि जिस काम के लिए लड़के दिल्ली जाते हैं, जिस टीचर से दिल्ली में मेरे लड़के पढ़ रहे हैं उसी टीचर से हम पटना में पढ़वा दिए उसी टाइम में उसी टीचर से, तो इससे बेहतर और क्या होगा। बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जो अंडर ग्रेजुएट हैं, जब तक यूनिवर्सिटी का चक्कर उनका खत्म नहीं होगा तब तक वो दिल्ली नहीं जाएंगे, है ना। और दिल्ली में जो रहते हैं वो अंडर ग्रेजुएट भी हैं तो DAIS में पढ़ रहे हैं, तो DAIS ने इसी सुविधा तो दे दिया कि अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट अब यहीं से बैठे बैठे UPSC की तैयारी पहले से कर सके, ये तो फायदा हो गया, उसको जाने की जरूरत नहीं पड़े। अगर जब स्टूडेंट फ्री हो जाता है, उसकी इच्छा अगर है दिल्ली जाने की, किसी भी समय ट्रांसफर करा के जा भी सकता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पटना में दिल्ली की तुलना में फीस भी कम लग जाते हैं, हर व्यक्ति दिल्ली जाने के लिए कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, इकोनॉमिकली कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, सोशली कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, तो ऐसे स्थिति में लोग IAS का सपना देखते रह जाते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन DAIS जो ये काम किया है, बिहार में अपना एक बेहतर सेंटर बनाया है, इससे कम से कम वैसे सैकड़ों कैंडिडेट, हजारों कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ तैयारी करने का अवसर मिल रहा है। और ये हम एक सलाह देंगे कि अगर कोई टॉप संस्था पटना में आ गई है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि दिल्ली में टॉप है तो पटना में टॉप ही है। अच्छा, उसके टीचर वहाँ की क्वालिटी जो दिल्ली में है क्या वही यहाँ है? अब क्वालिटी पर निर्भर करता है कि दिल्ली में हम जिस टीचर के बदौलत अपनी क्वालिटी बना के रखे हुए हैं, जिस मैनेजमेंट के बदौलत हम जो अपनी क्वालिटी बना के रखे हुए हैं, वो टीचर वो मैनेजमेंट यहाँ सही में है या नहीं है, इसमें इंस्टीट्यूट वाले ज्यादातर झूठ भी बोल देते हैं। तो ऐसा कई बार से जैसा कि आप बता रहे हैं, तो ऐसा कई बार होता है कि छात्र ऐसे इंस्टीट्यूट के झांसे में आ जाते हैं, उनके नाम के भरोसे आ जाते हैं कि भाई ये नाम बड़ा है, और या वो गलत सफलता या सफलता के झांसे में आ जाते हैं कि वहाँ पे सफलता मिलती है तो यहाँ भी मिलेगी, तो इससे कैसे बच सकते हैं फिर? देखिए, इससे बचने के लिए तो स्टूडेंट में तो गंभीरता तो आनी ही चाहिए, किसी भी चीज़ की तहकीकात स्थिर से करना चाहिए, ये तो जरूरी है। अब महीना दो महीना के बाद तो उनको भी सच्चाई पता चल ही जाता है कि कौन संस्था सही है कौन संस्था गलत है। एक माहौल जो बना हुआ है उस माहौल में अगर आप संभल के ना चलेंगे तो फिसलेंगे ही।
ये तो बात जरूरी है। फिर से हम आते सर अपने कुछ दर्शकों के सवाल को ले लें, लगातार उनके प्रश्न आ रहे हैं। नीतू जी का फिर से प्रश्न आ रहा है, वो पूछे सर UPPCS का मेंस कितना मार्क्स का होता है, हालांकि शायद ये UPSC लिखना चाह रही थी तो नहीं नहीं UPPSC इनका बोलने का मकसद है उत्तर प्रदेश। अच्छा वो उत्तर प्रदेश PCS के बारे में ये पूछना चाह रहे, उसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंजिंग आ रही है अभी, नया गाइडलाइन उसमें कुछ आने जा रहा है, नेट पर ही आपको क्लियर पता चल जाएगा, उसके बारे में थोड़ा कंफर्म अभी हम नहीं कर पाएंगे, अगला इस साल उसमें कुछ चेंजिंग आ रही है। अगला सवाल विकास गौरव जी का है, विकास जी स्वागत है आपका। वो पूछ रहे हैं सर मुझे भी IAS की तैयारी करनी है तो उसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले विकास जी मैं आपको बता दूं कि सर ने इस सवाल का जवाब दे दिया, हालांकि इस पर एक बार फिर से चर्चा सर करेंगे, इसके लिए आपको फिर से मैं उनको बता देता हूँ विकास जी UPSC एक ऐसी चीज है जिसकी तैयारी में बड़ा रोचक होती है। पहले तो क्लास 6 से लेकर के 10-12 तक का सिलेबस इसके अंदर होता है जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, आपके लिए कुछ नया नहीं रहेगा। एक दूसरा चीज, मेडिकल इंजीनियरिंग की कोचिंग जब कभी करने गए होंगे ना तो क्लास में बहुत दिन लगेगा, आज का क्लास नहीं ही समझे, लेकिन UPSC की कोचिंग का कोई क्लास ऐसा नहीं लगेगा कि आज नहीं समझे। अच्छा। तो क्लास तो समझ ही रहे हैं हम, सिलेबस देखा हुआ है, कोई नया चीज है नहीं, थोड़ा साइंस वगैरह मैथ भी जो पूछेगा वो मैट्रिक लेवल से ही पूछेगा, उससे ज्यादा पूछता नहीं है, ठीक है। तो वो आप सिलेबस को भी पहले से जान रहे हैं, सब्जेक्ट समझने में कोई कठिनाई है ही नहीं, तो ये बात जरूर है कि फिर लोग कम्पीट क्यों नहीं करते हैं भाई। तो इसका जड़ पढ़ाई में नहीं है, कुछ अलग है, जो माहौल बना हुआ है मार्केट में कि UPSC बहुत भारी है, उसका कारण यही है कि तैयारी की जो रूपरेखा यहाँ लोग अपना लेते हैं, पढ़ने का 100% तो 200% पढ़ते हैं, लेकिन उसमें 50% ही उनका सिलेबस रहता है। अब भला 50% सिलेबस से उनकी सफलता तो आएगी नहीं, इसलिए ध्यान इस बात का दें हम टू दी पॉइंट पढ़ें, और सिलेबस का कॉन्फ़िगरेशन जब तक पहले अपने दिमाग में ना लें तब तक तैयारी करना मुश्किल है। तो सिलेबस का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। कई बार ऐसा होता है सर, जैसे कि छात्रों को मैंने कहते हुए सुना है, मैंने देखा भी है कि बहुत सारे छात्र कहते हैं कि मैं पिछले 10 साल से तैयारी कर रहा हूँ या पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन उनका चयन नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ छात्र ऐसे होते हैं उनका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? उसका कारण ये है कि अब हम लोग मैथमेटिक्स में एक सवाल करते थे, एक मेडल एक बार उछलता है एक कदम तो दो कदम पिछल जाता है। अब उछलने में आप किस तरह से उछल रहे हैं, एक बार उछलेंगे दो बार पीछे हो जाएंगे तो 10 साल की 20 साल भी लग जाएगा ना। कभी नहीं, आपको टू दी पॉइंट तैयारी करना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी करना है। अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी किए और आपके ब्रेन को कोई दूसरा लोग वास नहीं कर दिया गलत ढंग से, तब आप 1 साल में 2 साल के अंदर करेंगे। अगर आप सबके सलाह ले सोचेंगे बड़ा जल्दी कर जाएंगे तो शायद 10 साल में भी नहीं कर पाएंगे, यही है, यही कारण होगा उनका 10 साल। या बहुत लोग झूठ भी बोल देते हैं कि हम 10 साल से तैयारी कर रहे हैं फिर भी मेरा नहीं हुआ। कुछ लोग व्यवस्था का दोष दे देते हैं कि व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी होती है, UPSC इतना नीट एंड क्लीन एग्जामिनेशन देश में कुछ नहीं। सर नीतू जी फिर से प्रश्न आ रहा है उनका, नीतू जी पूछ रही सर UPSC के लिए पेपर 4 के स्ट्रेटजी क्या होने चाहिए। जिसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली पढ़ना है, उसके लिए स्ट्रेटजी अपनाने की कुछ जरूरत नहीं। प्रियंका कुमारी पूछ रहे हैं सर UPSC में CSAT के स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये CSAT के बारे में पूछ रहे हैं। CSAT भी आप लगभग वही CSAT PT में CSAT से पूछा जाता है। अच्छा। और आप थोड़ा सा साइंस सब्जेक्ट पर जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह हैं इस पर ध्यान देना है, वो एक क्वालिफाइंग मार्क्स होता है जी। अगर आप CSAT में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका बाकी कॉपी जांचा जाता है PT का, तो वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। CSAT का जो तैयारी है बहुत कम समय में संभव है, ये कोई लेंथी प्रोसेस भी नहीं। स्वीटी कुमारी हमारे साथ जुड़ी हैं, स्वीटी जी नमस्कार, आपका स्वागत है। और वो पूछे सर BPSC PT की एग्जाम 16 दिसंबर को होने वाली है, टाइम कम है तो इस
कम टाइम में क्या स्टडी करें सर, इसके लिए कोई छोटा सा मतलब गुरु मंत्र फिर से है? ऐसा तो कोई नहीं है, मैजिक से तो होगी नहीं जी, ये नॉलेज से ही होगी। मैजिक रहता तो मैं बता देता, ये मैजिक अपना लीजिए। लेकिन फिर भी अब जो है टेस्ट सीरीज वगैरह पर ध्यान दीजिए, कई संस्थान का टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज को देखिए और टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंगली फिलहाल जल्दीबाजी में तैयारी कीजिए। और कहीं सेम टू सेम आपको मिल गया तो पीटी तो निकल जाएगी आपकी, लेकिन मेंस के लिए कमर अभी से ही पीटी के साथ ही कस कर रखिए। और आपको मैं शुरू से बताया कि तैयारी पीटी की नहीं होती है, तैयारी मेंस की होती है। और कोचिंग संस्थान जो हैं पीटी मेंस को अलग अलग कोचिंग कराते हैं, ये अपने रेवेन्यू क्रिएट करने के लिए। लेकिन हमारा जो रिसर्च है, मेंस की तैयारी होगी तो पीटी की कोई तैयारी की जरूरत ही नहीं। एक सवाल, जो आईएएस होता है या यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसको लेकर बहुत तरह की भ्रांतियाँ होती है कि इसमें भी कहीं ना कहीं मतलब कैटेगरीज जो होते हैं जो, तो वो भी इसमें रिजल्ट को लेकर प्रभावित करते हैं, जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। तो इसमें किस वर्ग को सबसे ज़्यादा फायदा होता है, मतलब ये अगर हम ये पूछें? अभी तो देखिए कि पूरे देश में ओबीसी वर्ग की संख्या सबसे ज़्यादा है। अच्छा, जनरल में जनरल लोगों की तो संख्या ही कम है देश में, लेकिन जनरल लोग के पास तो आरक्षण नहीं है। अच्छा, तो आरक्षण ना रहने के बदौलत जनरल को जो टसल है जी, उससे ज़्यादा टसल ओबीसी, एससी, एसटी को आरक्षण में, क्योंकि उनकी संख्या के अकॉर्डिंगली उनको टसल ज्यादा है। और उनके कास्ट में जो उच्च वर्ग है वो सब तरह से संपन्न है, तैयारी के लिए उनके पास पैसा है, सब कुछ है, तो आगे बढ़ते हैं, उनका रिजल्ट आ जाता है। उन्हीं के वर्ग में जो दबे कुचले हैं उनको ज्यादा परेशानी होती है। अगर सरकार इस तरह की व्यवस्था करे तो एससी, एसटी, ओबीसी के जो दबे कुचले हैं, जो सरकार का व्यू है कि हम दबे कुचले को ऊपर ले जाएं, तो वो तब सफल होगी जब तक वो क्रीमी लेयर पर ध्यान न दे। अगर क्रीमी लेयर की बात जो आती है, जनरल में भी आती है कि गरीबों को आरक्षण दिया जाए, बातें चल रही है, पता नहीं क्या होने वाला है, तो जनरल में गरीबों को दे दिया जाए, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी में क्या गरीबों को छोड़ दिया जाए? एससी, एसटी, ओबीसी में जो बिल्कुल गरीब हैं, बिल्कुल असहाय हैं, उनको तभी आप उठा सकते, उनको कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। अच्छा, उन्हीं के कैटेगरी में किसी और को मिल रहा है और उसी को बार बार मिल रहा है। अच्छा, तो जो पैसे से संपन्न है, हर चीज से संपन्न है, उन्हीं को आप इससे भी संपन्न करा रहे हैं, ये तो नीति में कुछ सुधार करनी चाहिए। सर, हमारे साथ लगातार प्रश्न आ रहे हैं और हम दर्शकों को इग्नोर नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उनके सवाल का जवाब चाहेंगे आपसे। प्रियंका कुमारी फिर से पूछ रही हैं कि सर, बीपीएससी मेंस सेकेंड पेपर के स्ट्रेटजी के कोई गुरु मंत्र फिर से? सर, गुरु मंत्र का चर्चा खूब हो रहा है सर। तो बीपीएससी मेंस सेकेंड पेपर भी वही जीएस है, फर्स्ट पेपर भी जीएस ही है, तो जीएस की तैयारी करना है प्रियंका जी, और तो कुछ इसमें नहीं करना है। स्ट्रेटजी अपनाने की क्या जरूरत है? स्ट्रेटजी तो आपको मैंने बताया, आप कंटिन्यू पढ़ाई करें। रॉकी वर्मा पूछ रहा है सर, बीपीएससी टेस्ट सीरीज कौन सा बुक अच्छा होगा? फिर से बुक को लेकर सवाल आ रहा है। मैं बुक का नाम तो यहाँ बता नहीं सकता हूँ किसी का, किसी भी संस्था के, जैसा कि सर ने भी कुछ देर पहले बताया था रॉकी जी, आप नेट पर कई संस्था का टेस्ट सीरीज है। अब दिल्ली के जो ब्रांडेड संस्थान है उनका भी टेस्ट सीरीज वगैरह है, आप उसको देख लीजिए। और लगभग कॉमन होता है, कुछ ये नहीं होती है। स्वीटी कुमारी पूछ रही हैं कि सर, आपके इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज करवाती है या बीपीएससी के लिए कोई स्पेशल बैच है जो आपके ध्येय आईएएस पटना अभी करवाती रही हो, करवा रही है? बीपीएससी के लिए मेरे पास बैच है, हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बैच है, वैसे भी स्टूडेंट के लिए बैच है मेरे पास, जिनके पास समय का अभाव है, जो जॉब में है उनके लिए मेरे पास अलग बैच है। मैं वीकेंड बैच भी चलवाता हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम का अलग बैच चलवाता हूँ, हिंदी मीडियम का अलग चलवाता हूँ। वैसे स्टूडेंट जिनके पास टाइम सूट नहीं कर रहा है मॉर्निंग इवनिंग का, उनके लिए स्पेशल बैच भी मैं देता हूँ। तो पढ़ने की तमाम तरह की सुविधाएं मैं दे रहा हूँ,
बशर्ते कि आप पढ़ने को अगर तैयार रहें तो मैं इतनी सुविधा जरूर दे दूंगा जितना आप खुद अपना इंस्टीट्यूट खोल के अपने इंस्टीट्यूट में उतना सुविधा ना ले पाएंगे। तो दीपक जी का प्रश्न अब आ रहा है। तो दीपक जी आपको धन्यवाद कि आपने प्रश्न किया और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या रीजन है कि सभी लोग एक ही बुक्स एंड कोचिंग से स्टडी करने पर एक सक्सेस और एक नॉन सक्सेस हो जाते हैं? हालांकि इसको सबने चर्चा कर दिया है, लेकिन एक बार फिर से ये कंपटीशन है। कंपटीशन में भिन्नता जरूरी है कि आप एक दूसरे से थोड़ा ऊपर दिखें। एक ही बुक पढ़ेंगे तो ऊपर तो दिखेंगे नहीं। जैसे मेरे यहाँ तैयारी होती है, मेरी संस्था एक बुक खुद दे दी, अब उसी बुक को मेरे सारे स्टूडेंट पढ़ते रहेंगे। ये बात जरूर है, मैं बोलता हूँ उस बुक से बाहर ना जाएंगे तब भी UPSC हो जाएगी। मैंने तो बुक का लिमिटेशन बना दिया हूँ। पतली बुक है, वही बुक बाजार में लेने जाइएगा तो इतनी मोटी मिलेगी। अब तो एक ही ऐसे से 22-23 बुक पढ़ने हैं, अगर 22 बुक बाजार से लेंगे तो बुक में ही उलझ करके हम रह जाएंगे। अगर रूम में बुक ला करके रखेंगे आप तो बुक को देख के ही डर जाएंगे, उससे भी आप घबरा करके तैयारी बीच में छोड़ देंगे। तो आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आप इसमें सेलेक्टेड तैयारी करें और सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस ना हो, और बाजार की बुक हो या किसी संस्था की बुक हो, हम लोग बुक के अलावा एक नोट्स देता हूं अपने स्टूडेंट को। नोट्स में की रहता है कि शॉर्टकट में आप पूरे सब्जेक्ट कैसे समझेंगे, फिर टीचर का लेक्चर होता है, तो टीचर के लेक्चर को, नोट्स को और किताब को, तीनों को कंपाइल करके स्टूडेंट कुछ अपना दिमाग लगा के एक अपनी भाषा में रिजल्ट बनाते हैं और उसी भाषा में लिखते हैं, और वो भाषा सबका एक दूसरे से भिन्न हो जाता है। अब एग्जामिनर को उसमें से कौन सबसे अच्छा लग रहा है, कौन सा स्टूडेंट अपनी भाषा में ज़्यादा सुधार किए हैं, उस हिसाब से उनको सफलता मिलती है। सर, आपके एक पूर्व स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बोल रहे हैं अभिषेक कुमार। वो कह रहे हैं कि मैं भाग्यशाली हूं कि सर के मार्गदर्शन में पढ़ाई करके मेरा BPSC PT क्वालिफाई हुआ और मैं मेंस की तैयारी भी सर के मार्गदर्शन में कर रहा हूं। तो सबसे पहले बधाई अभिषेक जी आपको कि आपका PT क्वालिफाई हो चुका। हम उम्मीद करते हैं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप मेंस भी क्वालिफाई करें और आपके सपनों को पंख लगे और आप अपने मंजिल को पा सकें। तो सबसे बड़ी बात है कि संस्था को, कोई भी संस्था है उनको इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि प्रोफेशनल बनने के बाद आप अगर रिजल्ट ना दे पाते हैं, IAS का एक रिजल्ट, बेहतर रिजल्ट देना इंस्टीट्यूट के मालिक को अरबपति बनने से बढ़ के, इंस्टीट्यूट का मालिक पैसा कमा कमा के अरबपति बन जाए वो मैटर नहीं रखता है। एक अच्छा IAS अगर तैयार करेगा उससे जो उसकी इज्जत प्रतिष्ठा मिलती है वो उसके पैसा कमाने से नहीं मिल सकती है। इसलिए वो हमेशा चाहे कि एक IAS बनाएंगे तो मेरे यहाँ 10 IAS बनेगा, और 10 IAS बनेगा तो आपका पैसा कमाने का भी पर्पस तो सॉल्व हो ही जाएगा। लेकिन आप उसको आगे रखेंगे और तैयारी को पीछे रखेंगे तो दोनों में से कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा। स्वीटी जी आपको थैंक यू बोल रहे हैं। स्वीटी जी बोल रहे हैं थैंक यू सो मच सर। तो स्वीटी जी के तरफ से भी और मेरे तरफ से भी थैंक यू सो मच। और किन्हीं को कोई दिक्कत है, कोई डिटेल जानकारी और चाहिए, ये तो चैनल है, यहाँ टाइम लिमिट रहता है, तो मेरे कार्यालय में आकर के, पटना के गांधी मैदान में कार्यालय है मेरा, वहाँ पता करके नेट पर देख करके वहाँ आ सकते हैं, और मेरे यहाँ ना भी पढ़ें तो फ्री में सलाह ले सकते हैं। एक संयोग की बात है सर कि देश में पहली बार सिविल सेवा शुरू करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आज उनकी जयंती है। खुशी की बात है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। वो लौह पुरुष कहे जाते थे और लोहे की सबसे बड़ी मूर्ति उनकी आज लग रही है, और सिविल सर्विसेज की तैयारी की शुरुआत में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा, और ये तैयारी भी लौह पुरुष की तरह है और ये पद भी एक लौह पुरुष की तरह है। तो धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख रहे थे कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं IAS पटना के डायरेक्टर डॉक्टर प्रियव्रत कुमार जी, जिन्होंने बुल्स ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD किया था USA से। सर, इसके बारे में भी मैंने कुछ सुना है कि आपको PhD को लेकर कुछ सम्मान दिया जाने वाला है। हाँ, मैं बॉल्स ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD जो मुझे मिला है, PhD का सब्जेक्ट ही मेरा रहा शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान। शिक्षा में हम
बहुत 27 साल से एजुकेशनल वर्क में जुड़ा हुआ हूँ, और किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कैसी तैयारी करनी चाहिए, पढ़ाई का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, ये मैं शुरू से स्टूडेंट को बताया और हर डिपार्टमेंट को इस तरह का मैं सलाह भी दिया, और इस तरह के कई सलाह हैं जिसके बदौलत हमारे कई स्टूडेंट आज जॉब में हैं, हजारों की तादाद में हमारे सहयोग से स्टूडेंट जॉब में हैं। आईटी एजुकेशन से भी मैं जुड़ा रहा और अभी यूपीएससी एजुकेशन सेंटर में चला रहा हूँ, और ये कोचिंग इसको नहीं मान चलिए, ये एक तरह से सलाह सेंटर मान चलिए ये, और मैं सलाह देने के लिए कि बिहार से कितने लोग आईएएस बने, यहाँ ब्रेन जितने आईएएस बनने के लिए होने चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा लोगों के पास है, लेकिन कम्पीट क्यों नहीं करते हैं, मैं उस कुरीति को हटाने के लिए यहाँ यूपीएससी की संस्थान एक तरह से चला रहे हैं। अगर उस कुरीति को हम हटा पाए और लड़के हमारी बातों पर ध्यान दें तो देश में बिहार से आईएएस बनने वालों की संख्या आधा से ज़्यादा होगी, ये मैं दावे के साथ करता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ बहुत सारे दोस्त अभी भी जुड़े हुए हैं, हालांकि हम उनके प्रश्नों को या उनके बातों को हम इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे दर्शकों का प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। तो विनीत जी बोल रहे हैं, नाइस गाइडलाइंस, थैंक यू विनीत जी। और अभिषेक जी बोल रहे हैं कि प्रिय व्रत सर से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सर सभी स्टूडेंट को पर्सनल गाइडलाइन भी करते हैं, बीपीएससी पीटी के एग्जाम के समय हम लोगों को खाना तक की व्यवस्था करवा दिया करते थे सर, सर का इंस्टीट्यूट एंड एप्टीट्यूड काफ़ी उच्च कोटि का है, जिससे हम लोगों को सर से हमेशा काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। धन्यवाद अभिषेक जी आपका, यह धन्यवाद जी जैसा हूँ। और एक बार बिहारी न्यूज़ की तरफ से आपको भी सर बहुत बहुत शुभकामनाएं उस सम्मान के लिए, और उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको आज का हमारा ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हम विभिन्न मुद्दों को लेकर और छात्रों के मुद्दों को लेकर हम आना चाहते हैं विभिन्न, और हम इस प्रयास में आज हमारे साथ जुड़े हुए थे JIAS पटना के डायरेक्टर प्रियव्रत जी। तो धन्यवाद, मैं प्रियांक सर, आप देख रहे थे बिहार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें, और बिहार के निष्पक्ष एवं ताज़ा खबरों के लिए हमारे वेबसाइट bihari.news को विजिट करें। शुक्रिया।